हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सैदा पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी कि जो भी मेरे वीडियो जो को का जो वॉल्यूम फर्स्ट होता है उसमें गायनोकोलॉजिकल या मिडवाइफरी का पोर्शन होगा, ठीक है। और जो वॉल्यूम टू होगा उसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होगा, और अगर वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो सकता है, ठीक है, या अदर हो सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम वन में मिडवाइफरी होगा, वॉल्यूम टू में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होगा, ठीक है। तो आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या है? तो इट इज़ नीड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड अदर पर्सनल इन द स्कूल टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर हेल्थ। तो वे सर्विसेज जो कि बच्चों के जरूरत के अनुसार और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, मीन्स वो पूरे एरियाज को कवर करें, उनके हेल्थ को, उनके टीचिंग को, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, ठीक है, वो सारे एरियाज को वो कवर करें। वे सर्विसेज जो कि स्कूल के चिल्ड्रन के लिए हो, टीचर्स के लिए हो और अदर पर्सनल ऑफ द स्कूल के लिए हो, ठीक है। तो वो जो सर्विसेज होंगे वो प्रोमोट भी करेंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो प्रमोट मतलब बढ़ावा देना और प्रोटेक्ट मतलब बचाव करना। तो वो बढ़ावा और बचाव करेंगे और साथ साथ डिजीज़ को भी कंट्रोल करते हैं और मेंटेन करते हैं हेल्थ को, ठीक है। तो वे जो सर्विसेज होती हैं दैट इज़ नोन एज स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये लाइन याद रखिएगा, नीड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के जरूरत के अनुसार होता है और वो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज होता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर वो प्रोवाइड करने का कोशिश करता है स्कूल के बच्चे को और स्कूल के जो भी पर्सनल्स हैं, अदर पर्सनल, उन सभी को, ठीक है। अब इसका एम्स देखते हैं कि इसका एम्स क्या है। टू प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये प्रोमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और मेंटेन करता है हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को एंड रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टलिटी इन देम। तो मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी रेट भी इससे रिड्यूस होती है, ठीक है। तो मॉर्बिडिटी जो होता है सिकनेस रेट होता है, कि सिकनेस मीन्स कि बच्चे लोग जो होते हैं वो उनको वो इस एज में होते हैं, जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, दैट आर हायर रिस्क टू गेट इन्फेक्टेड और गेट सिकनेस, ठीक है, सिकनेस मीन्स बीमार होना, ठीक है। तो वो बीमारी के रेट को और साथ साथ मॉर्टलिटी मीन्स मृत्यु दर उसके रेट को भी ये कम करता है, ठीक है। तो इसका एम्स यही है कि वो प्रोटेक्ट करे, जो भी सर्विसेज है वो प्रोमोट करे, प्रोटेक्ट करे और मेंटेन करे हेल्थ को, जिससे कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी रेट कम हो। नो ऑब्जेक्टिव्स, कि इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट इज क्रिएट हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, टीचर्स एंड अदर पर्सनल्स इन द स्कूल। तो हेल्थ के प्रति कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयर करना, ठीक है, अवेयर ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव है कि सारे लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हों, ठीक है, कि स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट। तो वो स्कूल चिल्ड्रेन जो भी सारे बच्चे हैं उनको सेफ इन्वायरमेंट, उनको हेल्दी इन्वायरमेंट स्कूल में प्रोवाइड करना, ठीक है, ये भी सेकंड ऑब्जेक्टिव्स है। थर्ड, प्रिवेंट कॉम्युनिकेबल एंड नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कॉम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि वन पर्सन से अदर पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, मॉम्स, ठीक है, मिजल्स, ये सब सारा क्या है, कॉम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज जो कि ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड डिजीज, ये सब सिस्टमेटिक डिजीज में नहीं आते। तो वे दोनों टाइप्स ऑफ डिजीजेस को प्रिवेंट करना भी इनका एक लक्ष्य है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एनी अबनॉर्मलिटीज, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना मतलब कि स्टूडेंट्स अगर को किसी भी साइंस सिम्टम्स अगर डेवलप हो जाता है किसी भी टाइप का डिजीज का, डिसेबिलिटीज़ का, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रीट करना, दिस आर आल्सो आ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, हेल्प प्रोडक्टिव यूज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो साथ में स्कूल के बच्चे को वहाँ जो भी पर्सनल है टीचर्स और तो उनको
करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी अदर देन स्टडीज़ जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं उसमें आपका प्ले भी हो सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्रिएटिविटीज़ जो वर्क होता है स्कूल चिल्ड्रन को जो करवाया जाता है उसका वो अच्छे से प्रोडक्टिव यूज़ कर पाए, ठीक है, उनके लिए भी वो हेल्प करते हैं, वे सारे जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज थे वे सारे हेल्प करते हैं. तो दिस ऑल अबाउट क्या इट्स ऑब्जेक्टिव्स. नाउ वी विल सी इट्स प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल्स मीन्स वो सिद्धांत जिस पे वो काम करें जो भी सर्विसेज हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज. तो इट्स शुड बी बेस्ड ऑन हेल्थ नीड्स. तो ये बच्चों के हेल्थ नीड्स के पे ये आधारित होना चाहिए ताकि उनका जो भी हेल्थ नीड हो वो पूरा हो सके. नेक्स्ट बी प्लान्ड इन कोऑर्डिनेशन विथ स्कूल हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रिवेंट ये सॉरी पेरेंट्स एंड कम्युनिटी पीपल. तो जो भी हेल्थ स्कूल हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करना चाहिए विथ द पेरेंट्स विथ स्टूडेंट्स विथ हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड कम्युनिटी पीपल, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि स्कूल हेल्थ जो सर्विसेज है सिर्फ स्कूल वाले लोगों के लिए ही है, ठीक है, या उसी के साथ में मिलकर वो काम करें, ठीक है, कम्युनिटी पीपल के साथ में भी इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज. तो जो भी अदर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज आती हैं उनका उनमें उनका एक ये जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है वो एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है. नाउ इट शुड बी ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोग्राम. तो क्या ये जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है वे क्या ऑन गोइंग मतलब कि लगातार वो चलता रहे और वो कंटिन्यूअस हो, बीच में ऐसा ना हो कि बीच में वो जैसे एक महीना तक सर्विसेज प्रोवाइड करें और बाद में वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो रुक जाए, ठीक है. तो उससे क्या होगा जो भी हेल्थ नीड्स होगा स्टूडेंट्स का वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाएगा. तो इट शुड बी ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूअस. नाउ इट्स कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या इसका कंपोनेंट्स है. फर्स्ट इज हेल्थ प्रोमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज. तो पहला जो कंपोनेंट है दैट इज हेल्थ प्रोमोटिव जो कि हेल्थ को प्रोमोट करे और प्रोटेक्ट करे, ठीक है, हेल्थ को प्रोमोट करे और प्रोटेक्ट करे इस टाइप का सर्विसेज होना चाहिए. तो इसके अंडर में फर्स्ट चीज है होलसम स्कूल इन्वायरमेंट. स्कूल जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो होलसम होना चाहिए, मीन्स कि उसका जो स्ट्रक्चर्स है उसका जो लोकेशन है वो प्रॉपर हो, साथ में वहाँ जो भी सैनिटरी फैसिलिटीज़ अदर फैसिलिटीज और फैसिलिटीज़ जो हो वो पूरी तरह से मतलब बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग हो, ठीक है. तो जो लोकेशन स्कूल का होना चाहिए वो नॉइस से, ठीक है, और उसका जो लोकेशन हो मेनली जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है, और वो हमेशा नॉइस से दूर ही रहना चाहिए उसका, ठीक है, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो हो वो उसका जो फ्लोर स्पेस होता है उसका 25% जो होना चाहिए वो डोर और आपका विंडोज, ठीक है, फ्लोर स्पेस का 25% जो स्पेस होना चाहिए वो डोर और वेंटिलेशन के लिए हो, ठीक है, डोर और विंडो के लिए हो सॉरी, ठीक है, और जो 2% हो फ्लोर स्पेस वो वेंटिलेशन के लिए हो. कम से कम ये रिकमेंड किया गया है, ठीक है, कि वहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ठीक है, लाइटिंग प्रॉपर हो, ठीक है, तभी वो क्या होगा वो होलसम हम लोग स्कूल इन्वायरमेंट कह पाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन. तो इस स्कूल के बच्चे को पर्सनल हाइजीन के लिए मेंटेनेंस के लिए उनका हमेशा रेगुलर चेकअप होना चाहिए कि जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं. हेड टू टो हम लोग पर्सनल हाइजीन मेंटेन करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि केयर ऑफ हेड केयर ऑफ आईज माउथ केयर, ठीक है, क्योंकि बच्चे को गम्स प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है, डेंटल कैरीज बहुत ही कॉमन होता है चिल्ड्रंस में, ठीक है. तो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन में उसके साथ में बॉबल हैबिट्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है. तो सारे पर्सनल हाइजीन को मेंटेन हो, ठीक है, ये भी इसका क्या है एक कंपोनेंट्स में आता है. नेक्स्ट न्यूट्रिशनल सर्विसेज. तो बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोग्राम्स 1961 से ही स्टार्ट किया गया है ताकि बच्चों को कम से कम 1/3 कैलोरी रिक्वायरमेंट जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 फुलफिल हो सके. उसके लिए मिड डे मील प्रोग्राम्स बनाया गया है जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स या पीसी पे मिलता है, साथ साथ स्कूल्स में भी
प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर न्यूट्रिशनल्स नहीं मिले बगैर तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशंस बच्चे हो जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया में कि बच्चे जो होते हैं वो माल न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। तो उसी बच्चों लोगों के लिए ये मिड डे मील प्रोग्राम्स लाया गया है। नेक्स्ट, फिजिकल्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो स्कूलों में फिजिकल्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं ताकि मस्कुलोस्केलेटल जो भी उनका स्ट्रेंथ हो वो और भी इंक्रीज करे, ठीक है। इसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइजेस और अदर क्रिएशनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशंस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो बच्चों का मेंटल हेल्थ भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ, अगर वो मेंटली हेल्दी रहेंगे तभी वो क्या बच्चे जो स्कूल इन्वायरमेंट है, न्यू स्कूल इन्वायरमेंट है, उसमें वो बच्चे एडजस्ट कर पाएंगे अच्छे से। नहीं तो क्या होगा, माल एडजस्टमेंट हो जाएगा और जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज और इस ड्रग एडिक्ट ये सब का भी केसेस देखने को बाद में मिल सकता है, इसलिए उनके एडजस्टमेंट पर, उनके मेंटल हेल्थ पर भी पूरा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन, बच्चों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, आपका ये पर्सनल हाइजीन पे, इन्फॉर्मेंटल सैनिटेशन पे, ठीक है, फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर्स पे, फैमिली लाइफ पे, ठीक है, और ये जो भी हेल्थ से रिलेटेड या प्रिवेंशन बोल सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, साइकोलॉजिकल डिजीजेस, वो सारे ये सब जो पार्ट्स हैं वो हेल्थ एजुकेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन, बच्चे को एट अ टाइम ऑफ एडमिशन स्कूल में, उसी समय एडमिशन के समय में ही पता किया जाना चाहिए कि बच्चे का इम्यूनाइजेशन कम्प्लीट हुआ है कि नहीं। अगर बच्चे का इम्यूनाइजेशन कम्प्लीट नहीं हुआ है, नॉर्मली 5 to 6 ईयर्स तक पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स को कम्प्लीटेड हो जाना चाहिए। तो अगर कम्प्लीटेड नहीं हुआ है तो हम लोग 5 to 6 ईयर्स तक DPT का 2 डोज हम लोग उसे प्रोवाइड कर सकते हैं विथ इंटरवल ऑफ 1 मंथ, ठीक है। उसके बाद में TT का भी 2 डोज दिया जा सकता है अप टू 10 ईयर्स तक, ठीक है, और 16 ईयर्स के बाद में उसको एक बार रिपीट किया जा सकता है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज, स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज से बच्चे को प्रिवेंट करने में क्या इम्यूनाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। कंटिन्यू इट्स कंपोनेंट्स। सेकंड कंपोनेंट्स इज थेरेप्यूटिक सर्विसेज। तो थेरेप्यूटिक सर्विसेज, जो भी डिजीजेस से जो बच्चे का पता लगाया जा चुका है कि हाँ इसको ये डिजीज है, तो उसके अंडर्स में जो भी सर्विसेज होंगी दैट इज थेरेप्यूटिक सर्विसेज। फर्स्ट इज हेल्थ अप्रेजल। हेल्थ रेगुलर हेल्थ अप्रेजल बच्चों का होना जरूरी है ताकि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि उसके उसमें किसी टाइप की एबनॉर्मलिटीज नहीं है, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि वो किस डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ अप्रेजल में कंप्लीट फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप आता है, ठीक है। तो बच्चों का जो एडमिशन हो तो एक बार मतलब कि ये रिकमेंड किया गया है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चे को एक बार हेल्थ अप्रेजल, जो भी मेडिकल चेकअप्स हैं वो एक बार हो कम से कम, और उसके बाद में 4 साल के बाद में एक बार फिर से रिपीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। तो जो भी आइडेंटिफाई किया गया है कि ये डिजीज कंडीशन है, उसके लिए ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है और साथ में इसका फॉलोअप। तो रूरल एरियाज में मेनली ये PHC लेवल पर होता है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स उसके लिए होते हैं ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप के लिए। और रूरल एरियाज में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स बनाए गए हैं जो कि स्कूल्स के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, कोई भी एक अगर स्कूल है, ठीक है, स्पेसिफिक स्कूल्स के लिए, अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग हेल्थ क्लिनिक हो सकते हैं। तो वो हेल्थ ये स्कूल क्लिनिक्स में ये ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप होना चाहिए बच्चों लोगों का जिसको भी डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट, फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर। तो स्कूल में ये सर्विसेज होनी चाहिए कि फर्स्ट और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड किया जा सके स्कूल चिल्ड्रेन को। तो स्कूल इमरजेंसी केयर में जो भी इंजुरीज, ठीक है, इंजुरीज एक्सीडेंट्स के कारण अगर हो रही है, सिक है चिल्ड्रेन, तो उसके लिए फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर प्रोवाइड किया जा सके, ऐसा सर्विसेज होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज। तो स्पेशलाइज्ड बच्चे जो होते हैं उनको लिए आई प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स में जैसे डायरिया, ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स में, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि हमेशा कोल्ड, सब ये सब हमेशा होते रहते हैं, ठीक है, और साथ में बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी कॉमन है।
तो वो सब सारे डिजीज के लिए, अगर बिहेवियर प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए स्पेशलाइज हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जा सके, इसके लिए भी वहाँ सर्विसेज होनी चाहिए। नेक्स्ट रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज। रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज में जो ट्रीटमेंट जिसका चल रहा है, ठीक है, उसके लिए रिहैबिलिटेशन किया जाना चाहिए। जैसे कि मेनली केयर ऑफ हैंडीकैप्स, वैसे बच्चे जिनको कि हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो भी हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना रुके, उन्हें भी प्रॉपर प्रॉपर अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो सके, ताकि और साथ में किसी भी टाइप की डिसेबिलिटीज उनको ना हो, उनसे भी उनको प्रिवेंट किया जा सके उनसे भी, इसलिए रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट वन इज स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो जो भी सारा बच्चे को मेनली स्कूल जो भी रिकॉर्ड्स होना चाहिए, दैट इज एक्यूरेट, कंटिन्यूअस, ठीक है, और कंटिन्यूअस और प्रॉपर, ठीक है। तो एक्यूरेट कंटिन्यूअस इसका हेल्थ रिकॉर्ड्स होना चाहिए, दैट शुड बी कंप्लीट। तो हेल्थ रिकॉर्ड्स में वो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे जो बच्चों के लिए एडमिशन के समय से ही लिया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स होंगे या बच्चे का आइडेंटिफिकेशंस जो डेटा होंगे, साथ में जो भी बच्चों को ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारी चीज़ें, साथ में फैमिली और हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशंस रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स के अंडर में आएंगे, और वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स स्कूल के डिपार्टमेंट जो भी इन्हें देखते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स के लिए उन्हें वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स को रखना चाहिए, ताकि बाद में फ्यूचर में कभी भी जरूरत रिकॉर्ड्स का पड़ सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कूल हेल्थ सर्विसेज। इफ अ स्टूडेंट्स, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर इस वीडियो से में जो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज का कुछ पार्ट और रह गया है तो हम उसे पार्ट 2 में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।